हे किड्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम अंडर, ऑन, बिलो एंड अबव इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज में आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही है, फैन, टेबल लैम्प और बॉल, राइट? अब इन तीनों का एक दूसरे से रिलेशन क्या है ये हम समझेंगे। समझने से पहले आपको ये पहले से पता होगा, अगर हम हिंदी में कहें तो हम ये कहेंगे कि लैम्प जो है वो फैन के नीचे है और बॉल टेबल के नीचे है। यानी नीचे जो वर्ड है वो हम दोनों ही सेंटेंस में नीचे इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब हम लैम्प के लिए अलग वर्ड यूज़ करेंगे और बॉल के लिए अलग। जैसे हम लैम्प के लिए यूज़ करेंगे लैम्प इज़ बिलो द फैन, और हम बॉल के लिए यूज़ करेंगे द बॉल इज़ अंडर द टेबल, राइट? यानी हम लैम्प के लिए यूज़ करेंगे बिलो वर्ड और बॉल के लिए यूज़ करेंगे अंडर वर्ड। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये हमें समझना है। हम ये जानते हैं कि बिलो एंड अंडर ये दोनों भी किसी चीज़ के लोअर पोजीशन पर होने को इंडिकेट करता है, राइट? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक दे रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टेबल जो है वो फ्लोर को टच कर रहा है, राइट? मतलब टेबल जो है वो फ्लोर पर रखा हुआ है, लेकिन वही फैन जो है उसका फ्लोर से कोई भी रिलेशन नहीं है, वो सीलिंग पर है। तो जब ऐसी कंडीशन हो, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोर को टच कर रहा हो और उसके नीचे अगर कोई चीज़ हो, तो उस कंडीशन में हमें वर्ड यूज़ करना है अंडर। और जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोर को टच नहीं कर रहा, वो हवा में लटका हो या तो फिर सीलिंग पर लटका हो, तो उस कंडीशन में अगर उसके नीचे कोई चीज़ हो तो हम यूज़ करेंगे बिलो, राइट? उम्मीद है आपको बिलो एंड अंडर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो है अबव एंड ऑन। इसका भी सेम ही फंडा है। अगर आपको बिलो और अंडर समझ में आया होगा तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि टेबल लैम्प जो है वो टेबल पर रखा हुआ है और फैन जो है वो टेबल या फिर टेबल लैम्प दोनों के ऊपर है। तो जब हम हिंदी में कहेंगे, हम कहेंगे कि लैम्प जो है टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर लैम्प है और लैम्प के ऊपर फैन है, राइट? यानी दोनों ही कंडीशन में हिंदी में हम वर्ड जो है ऊपर यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम इंग्लिश में कहेंगे तो हम कहेंगे टेबल लैम्प इज़ ऑन द टेबल एंड फैन इज़ अबव द लैम्प और अबव द टेबल, राइट? यानी हम टेबल के कॉन्टेक्स्ट में टेबल लैम्प के लिए ऑन वर्ड यूज़ करेंगे और फैन के लिए हम यूज़ करेंगे अबव वर्ड। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टेबल लैम्प टेबल पर रखा हुआ है, तो जो भी ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा हो या सरफेस को टच करता हो तो हम उसके लिए हमेशा वर्ड यूज़ करेंगे ऑन। और जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप देख पा रहे हैं फैन जो है वो सरफेस नीचे किसी सरफेस को टच नहीं कर रहा, वो हवा में है, जैसा कि हम बिलो और अंडर में देख रहे थे, तो वो हवा में है। तो ऐसी कंडीशन में फ़ैन को इंडिकेट करने के लिए कि वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो हम यूज़ करेंगे अबव। तो हम कहेंगे फैन इज अबव द लैम्प, फैन इज अबव द टेबल, फैन इज अबव द बॉल, राइट? और टेबल के कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे लैम्प इज ऑन द टेबल, पैन इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, राइट? अगर ऐसे ही किसी वर्ड के डिफरेंस को समझने में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो किड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी इंग्लिश आपकी तरह स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।